हेलो फ्रेंड्स आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है मेहनत और किस्मत दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों जिन पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है मेहनत पर विश्वास करने वाले लोग किस्मत को नहीं मानते और किस्मत पर भरोसा रखने वाले लोग मेहनत को तब तक नहीं मानते हैं जब तक उसकी मेहनत रंग नहीं ला सकती है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी और मेहनत भी आपका साथ कितना देती है इसके बारे में चर्चा होगी क्योंकि आपकी मेहनत और किस्मत दोनों ही आपके लिए कितने रंग लाती है उसके बारे में बात करेंगे किस्मत के लिए मान के चलिए आप लोगों के जिन, के जहाँ जहाँ पर तिल होते हैं वो आपकी किस्मत के साथ जुड़े हुए होते हैं क्योंकि समुद्र शास्त्र कहता है कि आपके जहाँ पर तिल होते हैं वो कुछ ना कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताता है इसलिए आपको मेहनत पे भी विश्वास करना चाहिए और किस्मत पर भी विश्वास करना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों के नाक पर तिल होते हैं नाक पर हाथ पर होठ पर कान पर गर्दन पर इन सब तिल का एक साथ वीडियो बनाया गया है दोस्तों इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिन लोगों के नाक पर तिल होते हैं दोस्तों वे बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनके साथ किस्मत बहुत साथ देती है क्योंकि ऐसे लोगों को कम मेहनत में भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ये महिलाएं जिन महिलाओं के नाक पर तिल होती हैं वे महिलाएं बहुत ही सुंदर और सुशील होती है और भाग्यशाली तो होती ही होती है क्योंकि उनका साथ किस्मत देती है और जिन महिलाओं के नाक के दाएं तरफ तिल होते हैं वे हमेशा शांत और एकांत पसंद करने वाली होती है और दूसरी बात इनका साथ हमेशा सब देते हैं इन महिलाओं को अकेला कोई नहीं छोड़ता है अगर इनको कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ की ज़रूरत होती है वे हमेशा उनके साथ होते हैं तो दोस्तों इस टाइप की महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती है और किस्मत हमेशा इनका साथ देती है कभी इनका साथ नहीं छोड़ती है अब हम आगे बात करते हैं जिन लोगों के पैर पर तिल होता है या पैर की पगथली में तिल होता है वे लोग कैसे होते हैं वे लोग यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं दोस्तों इनके जीवन में भटकाव रहता है वे आज कहीं हैं कल कहीं मिलेंगे यानी घूमने फिरने के इतने शौकीन हैं कि एक जगह टिककर नहीं रहते हैं ऐसे लोग घूमने के साथ साथ ये लोग गाड़ियों के भी काफ़ी शौकीन होते हैं इनको नई नई गाड़ी लाना बहुत पसंद होता है अब हम आगे बात करते हैं जिन लोगों के माथे पर तिल होते हैं वे लोग कैसे होते हैं दोस्तों माथे के बीच वाले भाग में अगर तिल है तो वो प्यार के निशाने वाला तिल होता है ये लोग बहुत ही प्यार वाले लोग होते हैं और माथे के दाहिनी तरफ तिल होता है तो किसी विषय में निपुणता बहुत होती है इनमें जिस काम को ठान लिया उस काम को करके ही छोड़ेंगे ये लोग हर कार्य में कुशल है और जिन लोगों के बाई तरफ तिल होता है माथे पर वे लोग थोड़े फिजूल खर्ची वाले होते हैं माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी कहा गया है कि दाई ओर का तिल धन वर्दिकारक और बाई और का तिल होता है घोर निराशापूर्ण होता है तो दोस्तों दाई ओर का तिल बहुत ही अच्छा माना जाता है अब हम आके बात करते हैं जिन लोगों के ठोडी पर तिल होते हैं वे लोग कैसे होते हैं जिन स्त्रियों के ठोडी पर तिल होते हैं उनमें मिलन सारिता की कमी होती है वे मिल नहीं पाती है एक दूसरे में थोड़ी सी अकड़ यानी घमंडी टाइप की होती है वो अपने आप में ज़्यादा रहने वाली होती है उनको किसी का साथ नहीं चाहिए होता है वो अपने आप में ही अच्छा महसूस करती है और साथ ही साथ ये खूबसूरत बहुत होती है जिन लोगों के ठोडी पर तिल होते हैं अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों जिन लोगों के कंधे पर तिल होते हैं वे लोग कैसे होते हैं दाहिने कंधे पर तिल होते हैं वे लोग प्रतिष्ठित और बुद्धिमान होते हैं लोग उसका आदर करते हैं और बाई तरफ तिल होते हैं तो वे व्यक्ति थोड़े से झगड़ालू टाइप के होते हैं उसका हमेशा इतना आदर नहीं किया जाता क्योंकि वो हर बात छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं इस टाइप के व्यक्ति होते हैं और जिन लोगों के दाई तरफ तिल होते हैं वे लोग बहुत ही प्रतिष्ठित और बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों जिन लोगों के पीठ पर तिल होते हैं वे लोग कैसे होते हैं पीठ पर तिल होना ना केवल धनवान होने का सूचक बताया गया है बल्कि यह बताता है कि आप कितने रोमांटिक हैं ऐसा व्यक्ति मेहनत के दम पर खूब कमाता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा करता है जितना कमाता है उससे डबल वो सोचता है खर्च करने की ऐसे व्यक्ति के पास काम की कोई कभी कमी नहीं रहती है इनकी सामाजिक योजनाओं में काफ़ी मांग होती है वे लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हैं अब हम आगे बात करते हैं जिन लड़कियों के होठ पर तिल होते हैं वे लड़कियाँ कैसी होती हैं तो दोस्तों ये लड़कियां खूबसूरत तो होती हैं इसके साथ ही साथ ये अपनी बात में सभी को मनवा लेती है यानी कि ये बात करने में माहिर होती है और हर व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने में भी माहिर होती है और साथ ही साथ इनके हुनर की बात करें तो इनमें हुनर काफ़ी होता है यह हर काम को करने में निपुण होती है अब हम आगे बात करते हैं जिन लड़कियों के हाथ पर तिल होते हैं वे लोग कैसे होते हैं वे लोग धनवान होते हैं दोस्तों साथ ही साथ इनको इनके पास कभी किसी पैसे की कमी नहीं होती है और ससुराल में ये लड़कियां राज करती है और जिन लड़कियों की हथेली बंद होती है यानी मुट्ठी बंद में तिल आता है वो तो मान के चलिए पति का सुख तो पाती ही पाती है साथ में सास ससुर का प्यार भी बहुत मिलता है इन लड़कियों को और ये लड़कियां जिन लड़कियों की तर्जनी अंगुली पर तिल होता है यानी इस अंगुली पर तिल होता है वे लड़कियां धनवान होती हैं इसके अलावा अगर अनामिका अंगुली के मध्य में तिल होता है तो वे व्यक्ति धनवान और यशस्वी होते हैं बहुत ही अच्छा होता है और सबसे छोटी वाली अंगुली है उस पर तिल होता है तो मान के चलिए वे व्यक्ति संपत्ति से तो शक्तिशाली होते ही हैं और उनके जीवन में परेशानियां आती रहती है लेकिन वो परेशानियों से कभी भी परेशान नहीं हो पाते हैं उनसे छुटकारा जल्दी ही उनको मिल जाता है और इसके अलावा अगर हाथ के अंगूठे पर तिल होते हैं वे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति होते हैं अगर लड़कियों के भी अंगूठे पर तिल है वे लड़की भी समाज में बहुत जानी मानी लड़कियाँ होगी और धनवान तो होगी ही होगी यानी हाथ में कहीं भी आपके तिल है मान कर चलिए आपके पास कभी किसी पैसे की कमी नहीं। कमी नहीं होगी उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि एक ही वीडियो में आपके जहाँ जहाँ पर तिल है उन सभी के वीडियो शेयर किए गए हैं इसलिए आपको अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकोन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो डेली के शेयर किए जाते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद